वेलकम बैक टू क्राफ्टिंग क्रिएशंस, माइसेल्फ रक्षित। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं ये कार्डबोर्ड की स्पोर्ट्स कार। फ्रेंड्स, ये कार हमने बनाई है टूथपेस्ट के बॉक्स से। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। बनाने के लिए हमें चाहिए एक टूथपेस्ट का बॉक्स। इस बॉक्स को सबसे पहले इस बॉक्स की सारी फ्लैप्स को हम कट कर लेंगे। इस तरह से अब मैंने बॉक्स की साइड में एक कार के शेप का थोड़ा सा ऐसे बना लिया है। इस साइड को हम कट कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, ऐसे ध्यान रहे ऊपर वाली फ्लैप कट ना हो। फिर ऐसे ऐसे कट कर लेंगे। अब इस पीस को हम ऐसे उल्टा करके यहाँ रखेंगे और यहाँ पे एक मेजरमेंट बना लेंगे। ऐसे इसको भी हम उसी तरह काट देंगे। कैसे? ऐसे। ध्यान रहे पीछे की ये साइड बच जानी चाहिए काटने से पहले। पीछे की साइड को ना काटे क्योंकि वो हमारी कार के पीछे की साइड बनेगी। हमने दोनों साइड से इसे कट कर लिया है। अब इस जो ऊपर वाली ये फ्लैप बन रही है, इसे हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर देंगे जिससे थोड़ी सी काक की शेप आ जाए। फोल्ड करने के बाद इसे पेस्ट कर देंगे। ऐसे हमारी कार की थोड़ी थोड़ी शेप आने लगी है। अब मैंने यहाँ पे ये टू लाइंस बनाई है, इन लाइंस को भी हम कट कर लेंगे। इस तरह से ऐसे मैंने थोड़ा ज़्यादा काटा है क्योंकि हमारी ये कार एक ओपन कार है। अब जो हमारी एक फ्लैप थी, इस फ्लैप को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे और इसे कट कर लेंगे। ऐसा करने से हमें एक छोटा सा पीस मिल गया है। इस कार्डबोर्ड के पीस को हम
लगा के आगे पेस्ट कर देंगे इस तरह से। मैं इसे पेस्ट करने के लिए टेप का यूज कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, हमारी कार की शेप लगभग रेडी हो गई है। कार्डबोर्ड के पीसेस लिए हैं, इन पीसेस को हम यहाँ और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ऐसे मैंने पीसेस पेस्ट कर दिए हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसे मजबूत बनाने के लिए ग्लू और वाटर के बराबर मिक्सर और पेपर के छोटे छोटे पीसेस से इसे कवर कर देंगे। मैंने कार को वाइट पेपर से कवर तो कर लिया है, पर अभी भी इसमें थोड़ी कमी है, ये थोड़ी कार जैसी लग नहीं रही है। क्या हो सकता है? अरे हाँ, इस कार में तो सीट्स लगाई नहीं। चलिए सीट्स लगाते हैं। सीट्स बनाने के लिए मैंने कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है और इसे यहाँ नीचे से थोड़ा सा ऐसे और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर दूंगा, इससे एक सीट की शेप आ जाएगी। इस पीस को कार के यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। इसे एक साइड पर पेस्ट कर देंगे ऐसे। देखिए इस तरह से ऐसे ही एक और पीस को पेस्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, मैंने दोनों शीट्स को पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, वैसे एक ओपन स्पोर्ट्स कार में यहाँ पे एक मिरर भी तो होता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कार्डबोर्ड की स्ट्रिप ली है और अब इस स्ट्रिप को यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे जिससे एक मिरर की शेप आ जाएगी। ऐसे लग रही है ना अब ये कार अच्छी, पर अभी भी कुछ कमी है, मज़ा नहीं आ रहा। अरे हाँ, इसे हमने पेंट तो किया ही नहीं। चलिए अब इसे पेंट करते हैं। मैंने इस कार को रेड कलर से पेंट किया है, मिरर और सीट्स को ब्लैक से और अंदर से इसे ब्लू से पेंट किया है। हमारा कार का ऊपर का पार्ट रेडी है। चलिए अब इसके व्हील्स बनाते हैं। के लिए मैंने 2 कार्डबोर्ड के 2 सेंटीमीटर रेडियस के सर्कल्स कट किए थे और उन दोनों सर्कल में से एक सर्कल के बीच में होल कर लिया और उन दोनों सर्कल्स को पेस्ट कर लिया है। इससे हमारा एक व्हील बन गया है। अब मैंने पेपर की पतली रोल और पेपर का मोटा रोल लिया है। पेपर का तो ये मोटा रोल है, ये इतना मोटा होना चाहिए कि पतला वाला इसके अंदर से आराम से पास हो सके। इस पतले वाले रोल को एक व्हील के अंदर
होल में से इंसर्ट करके पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे अब हमारा जो मोटा वाला रोल है, मोटे वाले रोल को यहाँ पर आगे की साइड पे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ऐसे अब हमारा जो ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम यहाँ पर मोटे रोल के अंदर इंसर्ट करेंगे और दूसरी साइड पे दूसरे व्हील को ऐसे करके पेस्ट कर देंगे। मैंने यहाँ पे दोनों व्हील्स को पेस्ट कर लिया है। ऐसे ही हम इस साइड पे भी व्हील्स को पेस्ट कर लेंगे। मैंने इस कार को दूसरी साइड में भी व्हील्स लगा के व्हील्स को पेंट कर लिया है। हमारी कार रेडी हो गई है। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये स्पोर्ट्स कार? अगर आपको मेरी कार अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाय बाय।